नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण। यानी आपको बता दूं, अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन कहें या एक टॉपिक कहें, वो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य या वैदिक स्रोत और एक लौकिक स्रोत, लौकिक साहित्य। तो और दो टॉपिक ये कंप्लीट हो चुके हैं, इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दूसरा टॉपिक था विदेशी यात्रियों के या और लेखकों के विवरण, यानी फॉरेनर अकाउंट्स। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे फॉरेनर अकाउंट्स। और एक तीसरा टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत यदि हम तीन का अध्ययन कर लेंगे तो इस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के तीन मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत। ओके, तो अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण या उनके संस्मरण, फॉरेनर अकाउंट्स। चलिए, आप लोग तो बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्रियों के बारे में जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपके कंसेप्ट को पूरे तरह से क्लियर करूंगी कि कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। इनको मैंने देश वाइज, कंट्री वाइज इनको डिवाइड कर दिया है, और वो कब आए और उन्होंने भारत के संबंध में क्या कुछ लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा और उनके ग्रंथों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसमें हम आज के वीडियो में देखेंगे। ओके, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिली है। इसको तीन भागों में बांटा गया है। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जब हम विदेशी यात्रियों के विवरण और संस्मरण पढ़ते हैं तो उससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और उनकी जानकारी बहुत ही ऐसा है कि एक रिसर्च स्कॉलर के लिए, एक राइटर के लिए, एक इतिहासकार के लिए विदेशी यात्रियों द्वारा जो सोर्स लिखे गए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक माने जाते हैं। कुछ ऐसे ट्रैवलर्स हैं जिनके लिखी गई बातें, लिखी गई पुस्तकें बहुत ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय मानी जाती है। तो सबसे पहले हम जो भी ट्रैवलर्स आए, फॉरेनर आए इंडिया में, उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, यूनानी रोमन लेखक। सेकंड में चीनी लेखक। थर्ड में अरबी लेखक, यानी अरब से आए थे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनानी लेखक। तब यहाँ पर हम देखेंगे यूनानी लेखकों को, यूनानी और रोमन लेखक। आप हेरोडोटस का नाम सुने होइएगा, हेरोडोटस भी यूनान का ही रहने वाला था। उन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में पहली बार इतिहास को तिथि के साथ अंकित किया गया था, और उसमें कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को इतिहास के रूप में संजोया गया था। ओके, तो हम यूनानी लेखकों को भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने ट्रैवलर्स को तीन भागों में बांट लिया, यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी। अब आ जाता है एक यूरोपियन भी आता है। यूनानी लेखकों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, यानी सिकंदर जब भारत में आया था उसका टाइमिंग है 325 ईसा पूर्व, जब वो भारत आया था 323 ईसा पूर्व भारत आया, 326 में उसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की, 26 ईसा पूर्व यानी बीसी में। तो यूनानी लेखकों को तीन भागों में, सिकंदर के आने के पहले के यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक और सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। ओके, तो इस तरह से
अब हम तीनों को थोड़े से ब्रीफ में आपके साथ मैं शेयर करूंगी इसके डिटेल को। टेसियस और हेरोडोटस यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। राजवैद्य जानते हैं आप लोग, राजवैद्य मतलब फिजिशियन यानी डॉक्टर। तो टेसियस क्या था, डॉक्टर था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की और उसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। अब ये थे टेसियस और हेरोडोटस जो मुख्य थे। बहुत सारे और हैं, टेसियस था, हेरोडोटस था, डायनेसियस तो बाद में आता है। तो ये अब इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ जो दिख रहा है वो सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक। सिकंदर के समकालीन यानी उसके साथ जो जल सेनापति, थल सेनापति, वो सेनापति जो आए थे तो वो थे, उन्होंने भी संस्मरण या पुस्तकों की रचना की थी। तो उनमें से प्रमुख थे नियार्स, आनेसिकेट्स, अरिस्टोबुल्स, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। इन लेखकों के द्वारा जो भी विवरण तत्कालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा है वह अपने आप में प्रामाणिक है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे बहुत ही ऑथेंटिक और प्रामाणिक माना जाता है। अब सिकंदर के बाद के लेखक यानी सिकंदर के मृत्यु के बाद यानी 325 ईसा पूर्व के बाद के लेखक थे, कौन कौन थे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 4 वर्ष बिताया। ओके, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज कहाँ रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसने 4 वर्ष यहाँ पे रहा भारत में। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, उसमें तत्कालीन मौर्य वंशीय समाज और संस्कृति का विवरण दिया गया है। इंडिका जो ग्रंथ की रचना की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह के, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य वंशीय साम्राज्य या संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आता है डाइमेकस। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा। यानी डाइमेकस सीरियन नरेश सीरिया के राजा जो थे एंटियोकस, उसका राजदूत था बिंदुसार के दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के दरबार में रहा। एक था मिस्र का डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फ के राजदूत के रूप में काफ़ी दिनों तक सम्राट अशोक के दरबार में रहा। डायोनिसियस था जो अशोक के दरबार में रहा था, वो मिस्र के टॉलमी वंश के फिलाडेल्फ का राजदूत के रूप में था। इसके अलावा यूनानी और यूनान और रोम से संबंधित कुछ और पुस्तकें हैं, उनमें आता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसके पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है ये पुस्तक का नाम है, इसके राइटर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। नेक्स्ट पुस्तक है टॉलमी का भूगोल, पिल्ली का नेचुरल हिस्टोरिका, ये ईसा की प्रथम सदी में ये पुस्तकें लिखी गई है, ऐसा संभावित तिथि बताया गया है ऐसा। तो अब हम देखते हैं कि इन पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई, इसमें भारतीय बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं का विवरण मिलता है। पिल्ली के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशु, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। ओके, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने सब अलग अलग करके इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है चीनी लेखक, चीनी यानी चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे। चीनी लेखकों के
विवरणों से भी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से भी, उनके संस्मरण से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारे चीनी यात्री जो भारत आए तो उनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना, और बौद्ध धर्म के विषय में जानने हेतु ही वो भारत आए थे। इनमें से कुछ प्रमुख चीनी यात्री जो थे वो था फायान, वेनसंग, विली, इतिसिंग, मत्वानालिन, चाउ, जुकुआ आदि। इसके बारे में हम लोग थोड़े थोड़े जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले फायान। फायान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जिसका टाइमिंग क्या था, 375 से 415 ईस्वी के बीच फायान आया था गुप्त नरेश। उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला, और इसने विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर भी पुस्तकें लिखी हैं, इसने, फायान ने। उसके सेकंड यात्री जो था, ट्रेवलर्स जो था, वेनसंग था। वेनसंग आया था कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका टाइमिंग क्या है, 606 ईस्वी में आया और 647 में ये लौट गया। इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया, और उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नामक ग्रंथ में जैसे जाना जाता है, यानी कि उसने जो भारत आया था, उसने जो भारत में यात्राएं की और उसने जो कुछ भी देखा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था, सी यू की, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पुस्तक में उसने करीब 138 देशों के यात्रा विवरण का जिक्र किया है। इससे हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अब नेक्स्ट जो ट्रैवलर्स था वो था यूली। यूली के बारे में आप लोग बहुत कम ही जानते होंगे, बहुत लोग को उतनी जानकारी नहीं होती है। तो यूली जो था वेनसंग का पुत्र था, जिसने वेनसंग की जीवनी लिखी, और इस जीवनी में उसने तत्कालीन भारत पर भी प्रकाश डाला। नेक्स्ट आता है इतिसिंग। इतिसिंग आया था कब, 613 से 715 के बीच के लगभग भारत आया था। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे इन चीनी यात्रियों से, यूनानी रोमन यात्रियों से भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक और चीनी यात्री जो थे मत्वानालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चाउ जुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रैवलर्स कौन थे, तो हम यहाँ जिक्र करेंगे अरबी लेखक, अरेबियन ऑथर जो थे, या ये कहे कि अरेबियन ट्रैवलर्स जो थे वो कौन थे, और उन्होंने क्या, कब आए, और उन्होंने भारत के संबंध में क्या लिखा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अरबी लेखक पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में हमें सर्वप्रथम अरब व्यापारियों एवं लेखकों के विवरण से प्राप्त होता है। इन व्यापारियों और लेखकों में मुख्य हैं अलबर्नी, सुलेमान, अलमसूदी। ओके, आप तीनों नाम तो पहले से ही सुने होइएगा, अलबर्नी, सुलेमान, अलमसूदी। अलबर्नी जो था उसको अबू रिहान के नाम से भी जाना जाता है। वह 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में पैदा हुआ था, और 1017 में ख्वारिज्म को महमूद गजनवी द्वारा जीते जाने पर अलबर्नी को उसने राज ज्योतिष पद पर नियुक्त किया। आप ये भी जानते होंगे कि अलबर्नी जो था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो कैसे भारत आया था, तो आपको पता लगा कि ख्वारिज्म को जब गजनी ने जीत लिया, मोहम्मद गजनवी ने, तो अलबर्नी भी उसके राज्य में आ गया और उसने राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया। और जब गजनवी भारत आया तो अलबर्नी भी भारत आया, और उसने भारत में आकर, अलबर्नी ने संस्कृत भाषा सीखी थी। अलबर्नी जो था बहुत बड़ा विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। उसने भारत में संस्कृत भी सीखी, बहुत सारी पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद भी किया। उसकी पुस्तक जो भारत के संबंध में है वो है तहकीक ए हिंद, यानी भारत की खोज। इसको किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है।
तो याद रखिएगा अरबी लहकों में अलबर्नी का नाम प्रथम आता है, प्रथम रूप से। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरब यात्री सुलेमान जो आया था 9वीं शताब्दी में यानी 800 कुछ ईस्वी में, तो उसने प्रतिहार पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। 915 से 16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यह यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। याद रखिएगा कि अरबी कितने लेखक थे, चाइनीज कितने थे, कौन कौन थे, उन्होंने कब यात्रा की और विशेष रूप से किसके राज्य में वो भारत में आए थे, किसके शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे अब देखेंगे इन विदेशी यात्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी थे फारसी लेखक, उनके लेखों के विवरणों से भी भारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इनमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी जो आया था 940 से, इसका समय है 940 से 1020। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है बुक ऑफ किंग। इसके अलावा फारसी लेखक रशीदुद्दीन द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था जमियत अल तवारिक, अली अहमद कृत यानी अली अहमद द्वारा रचित चाचनामा, मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया तबकात ए नासरी, जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखा गया तारीख ए फिरोजशाही, अबुल फजल द्वारा रचित या कृत अकबरनामा से भी भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ओके, ये सब फारसी लेखक थे। अब हम यहाँ देखते हैं यूरोपीय यात्रियों में 13वीं शताब्दी में वेनिस यानी इटली से आए सुप्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो द्वारा दक्षिण के पांड्य राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। ओके, यानी कि यूरोपीय यात्रियों में यूरोप से जो सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारे यात्री आए हैं लेकिन जो सबसे पहले आया था वो 13वीं शताब्दी में यानी 1200 कुछ में, और वो था मार्को पोलो। उसने ही जो ग्रंथ लिखा, भारत के भौगोलिक एक ग्रंथ, नाम मैं थोड़े मिस कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ग्रंथ जो लिखा और वो ग्रंथ जाके यूरोप में जब पब्लिश किया गया, लोगों ने जब पढ़ा तभी लोगों को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और उसने ही अपने ग्रंथ में भारत को एक सोने की चिड़िया के रूप में नामांकित किया था। इसे लोगों को बताया कि भारत में को सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि यह भारत धन संपदा खनिज संपदा से भरा हुआ देश है। तो इस तरह से बहुत सारे यूरोपीय यात्री समुद्र मार्ग से भारत आए और उसके बाद ही वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ओके, तो ये रहा आपका फॉरेनर अकाउंट्स जिसके माध्यम से हमें भारत के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अभी इसके आगे भी यह जारी रहेगा, यानी कि एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, बहुत जल्द आऊँगी, बस आप थोड़ा सा वेट करते रहिए, चैनल को देखते रहिए। यदि इस संबंध में आपको कोई भी जानकारी हो या आप कुछ अपना विचार रखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह इतना समय से आप साथ देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, इतने सब्र और धैर्य के साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह से चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और उन्हें अपनी पढ़ाई में कुछ सहूलियत हो। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।